नमस्कार मित्रों, फेस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कोर्स में आपका स्वागत है। मैं सुनील त्रिपाठी आपको फेस डायग्नोसिस के माध्यम से बताऊंगा कि आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर छूकर समझ सकते हैं कि इसके किस ऑर्गन्स में समस्या है या बीमारी है। तो फेस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में आप समझेंगे कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के पॉइंट्स आपके चेहरे पर होते हैं। अब इसमें मैं आपको ऑर्गन्स की लोकेशन बताता हूँ कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर होता है। तो सबसे बात करेंगे कि आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां रहती हैं उनकी लोकेशन यहाँ पे होती है, जैसा कि आप वीडियो में चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे दोनों साइड, और क्रैनियल नर्व यानी जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व होती हैं उनकी लोकेशन यहाँ पे होती है। अगर इसमें पेन मिल रहा है, आप इसको दबाएंगे हल्के हल्के हाथों से, अगर आपको दर्द मिल रहा है तो आपके उस अंग में वीकनेस है, कमजोरी है किसी कारण से, तो यहाँ पे जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे स्प्लीन, यहाँ पे पेट, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन को हृदय तक पहुँचाने वाली या ब्लड को पहुँचाने वाली नर्व होती है, यहाँ पे आर्टरी होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके फेफड़े होते हैं, यहाँ पे आपका लीवर, यहाँ पे ये पूरी पट्टी जाएगी लीवर की यहाँ तक, ये पैनक्रियाज, फिर ये राइट साइड आपका होगा जीभ, यहाँ पे आपका होगा जबड़े और दांत, अगर इनमें प्रॉब्लम है तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रेक्टम, ये बड़ी आंत का पूरा एरिया रहेगा यहाँ तक, यहाँ पे आपकी छोटी आंत रहेंगी पूरी में, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैडर, ये ब्लैडर का हिस्सा है, और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप आँख, कान, आँख होगी, कान, नाक और मुंह, ये चार ऑर्गन यहाँ पे है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो इनको प्रेस कर सकते हैं। जब आप चेहरे को हल्का हल्का टच करेंगे, उनको महसूस करेंगे कि आपके किस ऑर्गन में किस अंग की ऊर्जा वीक हो गई है, तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पे ब्रेन हो गया आपका, यहाँ पे स्पाइन हो गई, ये आपका हृदय हो गया, तो आप जहाँ भी दबाएंगे चेक करने के लिए तो आपको देखेंगे जहाँ दर्द मिल रहा है, जिन जिन पॉइंट पर आपको दर्द मिल रहा है तो समझिए कि उस ऑर्गन में बीमारी है या बीमारी होने वाली है। तो आप उसको इस प्रकार प्रेस करके उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से, तो वहाँ जो टॉक्सिंग हैं, एनर्जी ब्लॉकेज है, वो निकल जाएंगे। एक अंग का दूसरे अंग से बहुत गहरा संबंध होता है। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो आपके गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका लीवर प्रॉब्लम में तो उसका इफेक्ट आँखों पे आता है, जैसे कि किसी को पीलिया होता है तो उसकी आँखें पीली हो जाती हैं। तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। तो इस वीडियो में आपने समझा कि आपके ऑर्गन्स की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। अगले वीडियो में आपको नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद।